हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञास किचन। में आज समोसे बनने वाले हैं। वैसे तो हमारे चैनल पे आपको बहुत तरीके के समोसे की रेसिपी देखने को मिल जाएगी, बट आज के समोसे पिनव्हील समोसे कहें या आप इनको भाकरवाड़ी समोसे के, बहुत ही यम्मी और एकदम क्विक और इजी रेसिपी है। तो अपन बनाना शुरू करते हैं, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है और होम मेड मैदा, जो कि मैं यहाँ पर ये 3 कप ले रही हूँ मेजरिंग कप के नाप से। आप कोई भी बर्तन एक सेट कर लें, उसी से सारा मेजरमेंट करें। और मोइन के लिए मैं यहाँ पर ये 1/2 कप रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी ले सकते हैं। ऑयल लेते हैं तो बिना स्मेल वाला कोई भी ऑयल ले लें। अब अपने को मोइन को इसके अंदर एकदम अच्छे से मिक्स करना है कि पूरे मैदे में मोइन आ जाए। और ये मैंने इसको अच्छे से मोइन मिक्स कर लिया है। चेक करने के लिए मुट्ठी में इस तरीके से बंद करें, मतलब परफेक्टली लड्डू बन रहा है। तो अपना मोइन एकदम परफेक्ट है। और नमक के लिए मैं ये इसके अंदर 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर ये अजवाइन ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। अजवाइन से समोसे में टेस्ट तो अच्छा आता ही है, और जिसको गैस की समस्या होती है तो वो नहीं होगी। इनको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब अपने को इसका डो तैयार करना है। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर ये गुनगुना पानी लिया है, जो कि नाप से मैं यहाँ पर अभी 1/2 कप ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही अपन डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने में आपको यहाँ पर गुनगुना पानी ही लेना है। इससे क्या होगा, अपने समोसे बनेंगे जो बहुत खस्ता बनेंगे। और ये अपना डो तैयार हो चुका है। अपने को बाटी से थोड़ा लूज डो तैयार करना है। डो तैयार करने में मेरे को 1/4 कप पानी लगा है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही डो तैयार करें। अब इसको अपने को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रखना है। तब तक अपन स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो कच्चे केले लिए और 1/2 ग्लास कुकर में डालकर मीडियम आँच पर 2 सीटी लेकर इनको मैंने बॉयल कर लिया है। और अभी मैंने इसके छिलके भी हटा लिए हैं। अब अपने को इनको मैश करना है। आप कोई भी मैशर लें और इससे मैश कर लें। मैंने इनको मैश कर लिया। देख सकते हैं मैंने इसको एकदम फाइन पेस्ट तैयार नहीं किया है। समोसे में थोड़े टुकड़े आते हैं केले के, तो अच्छे लगते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून रिफाइन ऑयल लिया है और गैस की फ्लेम मैंने लो पर रखी है। और 1 टी स्पून ये सौंफ डाली है और 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके लिया। 1 टी स्पून ये लाल मिर्च पाउडर लिए। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टी स्पून यहाँ पर मैंने ये धनिया पाउडर लिया है। इसी के बराबर मैं यहाँ पर ये भुना पीसा जीरा पाउडर ले रही हूँ। इससे मसाले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और खटाई के लिए मैं यहाँ पर 1 टी स्पून जितना ये अमचूर पाउडर ले रही हूँ। आप यहाँ पर लेमन जूस भी ले सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर 2-3 पिंच यहाँ पर ये हींग पाउडर ले रही हूँ। अब अपने को मसालों को हल्का सा ऑयल के अंदर रोस्ट करना है। इससे क्या होगा, ये सारे मसालों का कच्चापन तो दूर हो जाएगा, इसी के साथ इनका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब मैं इसके अंदर ये 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। क्या होता है कि केला जैसे जैसे ठंडा होता है तो वो ड्राई होता जाता है। अब अपन इसके अंदर पानी डाल के ही मसाला तैयार करेंगे तो अपना केला मॉइस्ट बना रहेगा और मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। पता ही नहीं चलेगा अपन ने केले की स्टफिंग तैयार करी है। बस अपने को इतना ही कुक करना है। अब इसके अंदर जो अपन ने केले मैश करके तैयार करके रखे हैं, ये इस मसाले में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप भी जब मसाला तैयार करें तो ये पानी ज़रूर डालें, ताकि आपके केले का मसाला लास्ट तक मॉइस्ट ही बना रहेगा और स्टफिंग एकदम अच्छे से होगी। अब अपने स्टफिंग में अच्छा फ्लेवर आए उसके लिए मैं 1/8 टीस्पून जितना ही गरम मसाला डाल रही हूँ। आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। अब मैं ये 2 टेबल स्पून जितना फाइन चॉप ये हरा धनिया लिया। आप यहाँ पर बारीक चॉप पुदीना भी ले सकते हैं। अभी तक अपन ने नमक नहीं डाला है तो मैं यहाँ पर ये 1 टी स्पून जितना सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर टाटा खाते हैं तो वो नमक कम लगता है, तो उस हिसाब से आप नमक डाल। ये सब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये अपनी स्टफिंग तैयार हो चुकी। इसको ठंडा होने देते हैं। डो को मैंने हल्की सी मसाज देके इस तरीके से बॉल तैयार कर लिया है। और अब अपन इसको बेल लेते हैं। कितना पतला ये मोटा रखना है तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। और मैंने ये बेल लिया, देख सकते हैं इस तरीके की मोटाई रखी है। अब अपन इसके ऊपर स्टफिंग रखे, उससे पहले इसको ग्रीस करना है। वो अपने को तेल से नहीं,
पानी से ग्रीस करना। इससे क्या होगा, अपना मसाला इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगा और डीप फ्राई करते समय ये खुलेंगे में नहीं। तो इसको अच्छे से एक बार पानी से आप ग्रीस कर ले। अब अपने जो स्टफिंग तैयार करिए वो भी ठंडी हो चुकी है। इसके ऊपर अच्छे से पूरी जगह अपने को स्टफिंग को फैलाना है। देख सकते हैं ये मैंने पूरी स्टफिंग अच्छे से फैला दी। अब अपने को इसका रोल तैयार करना है। तो इस तरीके से पहले आप बड़ा फोल्ड करें और फिर इसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए ही आप इसका रोल तैयार कर लें। और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है और ये अपना रोल तैयार हो चुका है। इसकी साइड्स अपन हटा देते हैं। एक बार इसको अच्छे से हाथों से दबा लें ताकि इसकी स्टफिंग सब जगह चिपक जाए। और ये कॉर्नर्स में जो मसाला नहीं है ये अपन हटा देते हैं इसके। और मैंने इसके साइड्स हटा दिए हैं। अब अपन इसके पिन व्हील समोसे कट कर लेते हैं। और इसकी लेयरिंग बहुत ही अच्छी आती है और हर लेयरिंग के अंदर मसाला बिल्कुल इवनली है। इसी तरीके से अपने को सारे कट करने हैं। इनको आप कट करके 2-3 घंटे के लिए फ्रीज में रख सकते हैं। जब गेस्ट आए और जब खाना हो तब इनको आप गर्मा गर्म डीप फ्राई करें। और ये मैंने सारे कट कर लिए हैं। डीप फ्राई करें उससे पहले अपने को एक गोल तैयार करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप पानी लिया है और इसके अंदर मैं ये 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल रही हूँ। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर वो नहीं है तो आप मैदा या आटा भी डालकर ये गोल तैयार कर सकते हैं। अब इसको एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अपना गोल तैयार हो चुका है। अब अपने समोसे भी तैयार है, वो इसके अंदर डिप करें। और समोसे डीप फ्राई करेंगे तो साइड बाय साइड मैंने ऑयल भी गर्म करने रख दिया है। और तैयार पिनव्हील समोसों को इस कॉर्नफ्लोर के गोल में डिप करें और डीप फ्राई करें। इससे क्या होगा, अपना जो समोसे का मसाला है वो बिल्कुल भी तेल में जाके नहीं बिखरेगा। एकदम पतली सी लेयर लगेगी, इसमें पता भी नहीं चलेगा, बट बहुत ही अच्छे समोसे बनकर तैयार होंगे। मैंने जब समोसे डाले तब भी गैस की फ्लेम लो पर ही थी और अब मैं इनको लो फ्लेम पर ही डीप फ्राई कर रही हूँ। और इनको अभी मैंने पलट दिया है, एक तरफ से ये डीप फ्राई हो चुके हैं। जब मैंने समोसे डीप फ्राई करने डाले तो उसके बाद मैंने 10 सेकंड तक इनको टच नहीं किया था, उसके बाद ही मैंने चम्मच से इनको पलटा था। और ये अपने समोसे एकदम डीप फ्राई हो चुके हैं, देख सकते एकदम परफेक्ट लेयरिंग आई है। और इसको डीप फ्राई करने में मेरे को 5 to 7 मिनट लगे हैं। और दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया, वो भी तैयार हो चुका। अब अपन को सर्व करते हैं। और मैंने इसको चटनी और सॉस के साथ सर्व किया। देख सकते बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं, बच्चे तो छोड़ने वाले ही नहीं हैं आपके। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरीके की नई नई रेसिपीज़ के साथ।